ये तो काफी बातें कर ली थी. आई वॉन्ट टू नो विच टीम डू यू सपोर्ट द मोस्ट टूडे. अनमोल. कोई तो अनमोल रहेगा आपका. Whom do you support the most? Oh my God, Rajesh Smashers. Once again, दोनों भी कैप्टन्स हैं हमारे सामने. Who will be taking the call? ऐसे वंस अगेन विल ट्राई. VDG Titan wins the round. Congratulations to both the teams. VDG Titan bowling and RJ Smashers for Ballebazi. Yes. All the teams. Thank you, photographer. एक तरफ है योगेश जी जब फील्डिंग कर रहे थे तो बहुत ही स्लेजिंग कर रहे थे खिलाड़ियों पर बल्लेबाजी पर. अब मौका है लेकिन उनके सामने है एक अनन्य से बालक. एक तरफ है ओल्ड तो एक तरफ है गोल्ड. जी हाँ ऑल द बच्चा वाली टीम्स काइंडली कम बैक द ट्रॉफी एरिया. ये द फोटो बच्चे ऑल द किड्स आर रिक्वेस्टेड टू कम जल्दी से आने आपको भाग के. We have chocolates for all of you if you win this round. Jitne bhi bachche hain come forward. दो रन लेना चाहते थे योगी जी लेकिन यहाँ पर विकेट का पतन हुआ. आखिरी गेंद थी आखिरी गेंद पर एक रन मिला. एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंची है. लक्ष्य दिया गया है 6 ओवरों में 49 रन बने हुए हैं. अगर रन बनाने हैं अर्धशतक 50 रन बनाने हैं अगर इस मुकाबले को जीतना है तो. निश्चित जो मैं जर्सी में देख रहा हूँ 99 योगेश जी का ये मानने वाले नहीं है. मुझे मालूम है इनका जो प्लानिंग है टीम मेंबर यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन वहां पर उन्होंने बता दिया कि मैं स्लेजिंग करूंगा बल्लेबाज को परेशान करूंगा उनके कानों में जाके चिल्लाऊंगा और विकेट झटकाऊंगा गेंदबाजी से नहीं लेकिन अपनी रणनीति से. यहाँ पर रणनीति बनाते हुए टीम के सारे खिलाड़ी नहा सुपर किंग पहली बॉल पे आउट पॉजिटिव थिंग के साथ उतरते हुए. सीनियर ओल्ड गोल कहते हुए भरत जी कि आ देखे जरा किसमें कितना है दम. जमके रखना कदम राजेश जी और भरत जी से मैं उम्मीद रखता हूं कि अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाएंगे और अपने टीम को जीत के दहलीज तक लेके जाने में अहम योगदान देंगे. देखना होगा गेंदबाजी का जो कार्यभार संभाल रहे हैं. विशाल जी आए हैं गेंदबाजी का कार्यभार संभालने के लिए. लंबे कटकाटी के गेंदबाज है. इधर पे योगेश जी ने पहला विकेट अपने
फीलिंग से प्राप्त किया भरत जी, थोड़े से डगमगाए जरूर, स्लिप हो गए थे नीचे थी और एक विकेट का पतन होता हुआ भरत जी के रूप में जाते हुए डगआउट में बैठे नीचे थी। ये चोट गंभीर ना हो मैं आशा करूंगा, मैं दुआ करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि वो फिर से एक बार फील्ड में जरूर लौटेंगे। एक रन के साथ पारी का आगाज होता हुआ नए बल्लेबाज आए हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज भवि, नो बॉल एम्पायर का इशारा आता हुआ और सीमा रेखा के बाहर जाता हुआ चार रन टू स्टार के सम्मान में डिक्लेयर जोन में गया एम्पायर फोर रनों के एम्पायर का इशारा आता हुआ चार रन टू स्टार के सम्मान में जाता हुआ चार रन। योगी जी भले ही ना किया हो अच्छी गेंदबाजी, ना किया हो बल्लेबाजी, लेकिन फील्डिंग से अपनी टीम को जरूर दिलाने में कामयाब हुए एक अनुभवी बल्लेबाज भरत जी के रूप में। दो बॉल छह रन एक विकेट के नुकसान पर राइट। कोई भी हो परेशानी तो हम पे संपर्क कीजिए, फ्री हिट एम्पायर का इशारा जरूर आएगा। एम्पायर ये फ्री हिट है राइट, यह जी एम्पायर का इशारा आता हुआ ये अगली गेंद होगी फ्री हिट। गेंदबाज विशाल हवा में गेंद भरपूर फायदा उठाया मैक्सिमम टी स्टार के सम्मान में छह रन। एम्पायर डिसीजन देंगे जो भी। एम्पायर से परमिशन लेके साइड चेंज किया गया है, एम्पायर ने हां बोला उसके बाद गेंदबाज ने बॉल डाला है, सो नॉट बॉलर्स फॉल्ट। लेट्स कंटिन्यू, इसको वैलिड बॉल करार करते हुए हम आगे मैच को बढ़ाएंगे। सिक्सर देखने को मिला भाभी के बैट से, टी स्टार सिक्सर। बारह रन पहले ओवर में, स्कोर 12। फिर से फ्री हिट मिलेगी, नो बॉल का इशारा। जितने भी बच्चे हैं ये इधर में आने का और बेहतरीन स्ट्रोक और सिक्सर आता हुआ टी स्टार सिक्सर। सभी बच्चों के लिए हमारे जो लेडी एंकर हैं वो गेम काफी गेम्स लेकर आई हैं आज। सो जितने भी किड्स हैं, किड्स आउट देयर, प्लीज जो ट्रॉफीज हैं उसके करीब पहुंचिए और डिफरेंट गेम्स में पार्टिसिपेट कीजिए। All the kids out there, we have some special games for you all. All bachcha party, please आप लोग जहाँ पर trophies रखी हैं यहाँ पर turf पे आ जाइए। We have lot many games for you all. Last ball to go. It's score है 19 run. Last ball to go of first over. पहला ओवर कंप्लीट हुआ, पहले ओवर के बाद स्कोर है 19 रन विद द लॉस ऑफ वन विकेट। अब
30 बॉल में 31 चाहिए, 30 बॉल में 31। राजेश जी 19 हुआ सर, 19 हुआ, 30 बॉल में 31 चाहिए। ये आसान सा कैच सचिन जी नाहर के हाथों में, सचिन जी जैन एक आसान सा कैच उनके हाथों में गया और ये विकेट राजेश जी देश लहरा का, हमारे टाइटल स्पॉन्सर राजेश जी आउट हुए। अब आए हैं टीम के कैप्टन आशीष, कमिटी मेंबर भी हैं, एक्टिव प्लेयर इन अनमोल फॉर्च्यून। कोई कनेक्शन हुआ नहीं, इट्स अ डॉट डिलीवरी। ये क्लोज कॉल है, क्लोज कॉल है और भाभी का विकेट गिरता हुआ, बड़ी सफलता मिलती हुई यहां पर ना सुपर किंग्स को। डीजे योगी जी, जो आप हर विकेट के जाने के बाद जो आप गालों पे चुम्मा लेते हैं ना सर, जब घर पे जाएंगे ना उनके घर वाले देखेंगे तो सर गड़बड़ ना होगा सर। नए बैटर राजेश जी रंग का, दो विकेट्स बहुत जल्दी यहां पर लेने में कामयाबी हासिल कर लिए, अलग कर ली टीम नहार सुपर किंग्स ने। लास्ट वार्निंग, बॉलर अगर बॉल डाल रहे हैं उस वक्त कोई खिलाड़ी डिस्टर्ब करेगा, कुछ कमेंट्स करेगा तो नो बॉल दी जाएगी। एक रन दौड़ कर लिया गया, ये दूसरा ओवर, इस सिंगल सेट स्कोर 20 पर पहुंचा, 20 हेड स्कोर। आशीष के बैट से ये आखिरी गेंद पर आएगा सिंगल, ओवर कंप्लीट हो जाएंगे दो, दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 21, तीन विकेट के नुकसान पर। दो ओवर 21 पे तीन, अब चार ओवर में 29 रन चाहिए, 24 बॉल्स में 29 रन्स। आशीष जब तक है तब तक टीम स्ट्राइकर्स के लिए पगड़ा भारी नजर आएगा, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। आशीष इज ऑन स्ट्राइक, ये वन रन डिक्लेयर, मनीष जी हैं गेंदबाजी करते हुए। इंस्ट्रक्शन देते हुए आशीष जी साथी बल्लेबाज को, राजेश जी को कुछ कान मंत्र दिया आशीष जी ने। एक और शॉट उसी तरफ, दो लगातार सिंगल सिंगल रन स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेलकर दोनों बैटर्स ने लिया। वन मोर सिंगल, स्कोर 24, वी आर इन थर्ड ओवर। और ये अच्छी गेंद, बीट किया वहां पर बैटर को, हल्की फुल्की अपील भी है विकेटों के पीछे से, युवा खिलाड़ी भी काफी एक्साइटेड नजर आए इस अपील में कृष्णव, लेकिन मना किया अंपायर ने। डॉट रही अगेन, स्कोर 24 पर। इस ओवर में अब तक आए हैं चार रन, लास्ट बॉल टू गो और आखिर
आखिरी गेंद भी रह गई डॉट, कोई कनेक्शन नहीं हुआ, ओवर समाप्त हो गए। तीन ओवर में 25 रन बने हैं और तीन ओवर में 25 रन चाहिए। मेरे साथ में आदरणीय श्रीमान ललित जी नहार यहाँ पर जुड़े हैं। सर, तीन ओवर में 25 बने हैं, तीन ओवर में 25 क्या बचा लेगी नहार शक्ति, नहार सुपर किंग्स की टीम? नहार सुपर किंग 100% जीतेंगी, बाकी के तीन ओवर में हार्डली 10 से 12 रन तीन ओवर में। हालांकि अगर आप देखें आशीष अभी भी वहां पर है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि बचा लेंगे आराम से। देखो सब आर्मी के कैसे जवान होते हैं, सब खड़े हैं, सब पूरे बॉर्डर पे, एक भी फोर्थ सिक्स लगने नहीं देंगे। क्या बात है, नार्थ की टीम को पूरा सपोर्ट, दो लाडले खेल रहे हैं इस टीम में, जिगर और सचिन। नो बॉल का इशारा की तरफ से आता हुआ, नो बॉल और एक डिक्लेयर भी, ओके प्लस वन, दो रन खाते में जुड़ेगा और अगली बॉल फ्री हिट भी रहेगी। मौका है यहां पर, लाइसेंस है आशीष के पास। ललित जी नहार, रन आउट का खतरा, क्या क्या ये विकेट, जी हाँ, फ्री हिट की गेंद पर ये रन आउट के जरिए राजेश हिरानका का विकेट गिरता हुआ। पिछली गेंद पर नो, और किसने सोचा था ये फ्री हिट बॉल पर राजेश भाई आउट हो जाएंगे। खतरा था, रिस्क था और खामियाजा भुगतना पड़ा राजेश जी फ्री हिट बॉल पर। मनोज मनीष जी का सीधा निशाना स्टंप्स पर लगा दिया, स्क्वायर लेग में जहां सिर्फ एक स्टंप दिखता है वहां से इन्होंने स्टंप उखाड़ दिया। वाह मनीष भाई वाह, संतोष आए हैं नए बैटर, खुद कहते हुए नहीं ये नॉट आउट है, वेरी ऑनेस्ट यंग चैप कृष्णा बिहाइंड द विकेट्स। एक और अच्छी गेंद, फिर से बीट किया बैटर को, जबरदस्त वापसी देवव्रत की, पहले वाइड, पहले नो जरूर गई लेकिन उसके बाद व्हाट अ ग्रेट कमबैक बाय देवव्रत। एंड दैट्स वन मोर विकेट हियर बाय देवव्रत। इस ओवर में तो पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया है टीम स्ट्राइकर्स को नहार सुपर किंग्स ने। रनों की अगर बात की जाए तो इस समय स्कोर है 27 रन, अब 14 बॉल्स में, 14 बॉल में 23 रन चाहिए, 14 बॉल 23 रन रिक्वायर्ड। आशीष जी साथी बल्लेबाज आई थिंक चंदू भाई आए हैं, उनको समझाते हुए कि मुझे मौका दीजिए, मैं कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी आशीष जी को। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त फील्डिंग यहां पर, योगेश जी हमेशा चेहरे पर मुस्कान, जॉली पर्सन, मुस्कुराहट चेहरे पर लिए हुए योगेश भाई। अगर आप में कभी भी थोड़ी सी लो एनर्जी आए या फिर थोड़ा आप डाउन महसूस करें तो योगेश जी को देख लीजिए, हमेशा मुस्कुराते हुए। डॉट बॉल के साथ ये बहुत ही बेहतरीन ओवर कंप्लीट हुआ, इसमें देवव्रत ने सिर्फ 2 रन खर्च किया, वो भी पहली बॉल पे जो 2 रन आया था नो के जरिए, नो प्लस वन, बाकी सभी बॉल पे कोई भी रन नहीं आया। ग्रेट कमबैक, अब 12 बॉल पे 23 रन चाहिए आशीष, हालांकि अभी भी एक एंड पर है, 12 बॉल 23 रन बनाना है नहार सुपर किंग्स, और उनके सामने है आरजे स्ट्राइकर्स। ये ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इस ओवर में गेंदबाजी करने कौन आ रहे हैं। सर एक बार नाम बता दीजिए कौन है बॉलर? सचिन मालो। 12 पे चाहिए 23। ये फर्स्ट बॉल, और फर्स्ट बॉल पे देखते हैं कितने रन है, ये आता हुआ मच नीडेड सिक्सर, टी स्टार सिक्सर, हमारे चौके सिक्सर के पार्टनर है टी स्टार तुषार जी, ये हमारे चौके सिक्सर के स्पॉन्सर, और उनके सम्मान में आता हुआ ये सिक्सर। अब 11 बॉल में 17 रन चाहिए, जब तक आशीष हैं तब तक का स्ट्राइकर्स के लिए उम्मीदें हैं। 10 पे 16, ओ ये तो आसान सा,
साबित हो गया गेंदबाज के लिए, रफ्तार के साथ खेला गया था, स्ट्रोक बैक फुट पर जाकर और यह विकेट, चंदू जी इज आउट। अब देखते हैं कौन से बैटर को बुलाया जाता है। चंदू भाई आउट हो गए, पवेलियन लौट चुके हैं, 9 बॉल बाकी है, 9 बॉल्स में 16 रन चाहिए, 9 बॉल 16 रन्स। चिराग भाई आए हैं न्यू बैटर, डायरेक्ट कैसे आरजे स्ट्राइकर्स टीम में दो खिलाड़ियों के कॉलर हमेशा खड़े रहते हैं, उनमें चिराग भाई और आशीष भाई हैं, और वो दोनों इस समय मैदान है। क्या टीम का सीना भी इसी तरह से चौड़ा होगा जीत के साथ, क्या अपना मस्तिष्क भी इसी तरह से खड़ा रख पाएंगे इस मैच के बाद, क्योंकि इस समय थोड़ी सी मुश्किलें नजर आ रही हैं, थोड़ी इनफैक्ट ज्यादा मुश्किलें नजर आ रही हैं, क्योंकि 6 बैटर्स आउट हो चुके हैं, लेकिन मुश्किलों को पार करना ही बड़े लोगों की पहचान है, विजेताओं की पहचान है। कदमों का इस्तेमाल किया आशीष ने, सिंगल निकालकर इस ओवर की समाप्ति की, 5 ओवर कंप्लीट हो गए, और क्या ओवर थ्रो में भी कुछ रन्स, जी नहीं, 5 ओवर कंप्लीट, 5 ओवर के बाद स्कोर 36 है, अब 6 बॉल में 14 रन्स चाहिए, 6 पे 14। स्ट्राइकर्स वालों कितने लोग हैं जो स्ट्राइकर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, एक बार हाथ ऊपर कीजिए, आज स्ट्राइकर्स कोई है, कोई भी नहीं, 1 2 गिने चुने, इतने की उंगलियों पे गिन लो, 1 2 3 4 स्ट्राइकर्स वाले कितने लोग हैं स्ट्राइकर्स को सपोर्ट कर रहे, 6 पे 14 बनेगा, और नहार नहार सुपर किंग्स, नहार सुपर किंग्स के सपोर्टर्स, क्या बात है यार, यहां पे तो सबके सब ज्यादातर नहार वाले ही नजर आ रहे हैं। 6 बॉल पे 14 रन, आशीष भाई के ऊपर दबाव, सचिन जी गेंदबाजी करेंगे, सचिन जी जैन, सचिन जी नहार, 6 पे चाहिए 14। पहली बॉल, और पहली बॉल पर आशीष ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया रन लेने का, ये कॉन्टेस्ट बहुत बेहतरीन है, सचिन वर्सेस आशीष जी, आशीष वर्सेस सचिन जी, 5 बॉल 14 रन, अब 5 पे चाहिए 14। कदमों का इस्तेमाल, और फिर से बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग देखने को मिलती हुई, इसीलिए कहते ना कि जिस टीम की फील्डिंग अच्छी है उनकी हिट गेंदबाजी सुपर हिट हो जाती है, और पूरा नहार परिवार इस समय तालियों से स्वागत करता हुआ इस बेहतरीन फील्डिंग का, अब 4 पे चाहिए 14। और अब यह आता हुआ तीसरी गेंद पर मच नीडेड सिक्स, स्ट्राइकर्स को इसकी बे इंतहा जरूरत थी, और आशीष के बैट से आता हुआ यह तीसरी गेंद पर सिक्स, टी स्टार सिक्स, 3 पे 8 चाहिए, यह 9 बॉल का इशारा आ गया, क्या यह टर्निंग पॉइंट हो जाएगा इस मैच का, फ्री हिट भी रहेगी अगली गेंद, 3 बॉल पे 7 चाहिए, यह अच्छा कमबैक, सचिन जी ने अच्छी गेंद डिलीवर की इस मर्तबा, अब 2 बॉल पे 7 चाहिए, 2 बॉल 7 टू विन, एंड देयर ही गोज, इट्स अ सिक्स, आशीष के बैट से आता हुआ ये मच 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 नीडेड सिक्स, 1 बॉल 1 की जरूरत, क्या जबरदस्त मैच हुआ ये, अब आखिरी गेंद, आखिरी गेंद पर चाहिए 1 रन, 1 बॉल 1 टू, वन बॉल वन रन रिक्वायर्ड, अगर स्कोर बराबरी पर रुक जाता है तो मैच टाई होगा और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिए जाएंगे, 1 पे 1, और क्या क्या ये विकेट है, जी नहीं, 1 रन कंप्लीट हो गया और स्ट्राइकर्स ने ये मुकाबला जीत लिया है, व्हाट एन अमेजिंग इनिंग बाय कैप्टन आशीष, आखिरी ओवर तक टिके रहे हैं, लुक एट द सेलिब्रेशन, जोश नजर आते हुए, जज्बात नजर आते हुए, और फीलिंग्स इमोशंस बना होते हुए इस एक्सप्रेशन में, टीम स्ट्राइकर्स हैव वन द गेम, टीम कैप्टन ने ये बता दिया कि कप्तानी पारी किसे कहते हैं, मेनी कांग्रेचुलेशंस टीम स्ट्राइकर्स।
पारी खेलते हुए आशीष जी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे और जब सिंगल नहीं लिया तो सभी बल्लेबाज क्या ये गलती कर रहे हैं, लेकिन सभी को गलत साबित करते हुए कप्तान आशीष वो जानते हैं अगर वो साइड पर रहेंगे तो 6 गेंदों में 17 रन हो या 27 वो मारने की काबिलियत रखते हैं और वही करते हुए कप्तान आशीष हारी हुई जीत को हारी हुई गेम को जीत में तब्दील करते हुए कप्तान आशीष और इस बीच अगली गेम के वो जाते हैं। आरजे वर्सेस वीडीजी के बीच में मैच खेला जा रहा है और जी स्मैशर्स वर्सेस वीडीजी टाइटंस आज के स्मैशर्स ने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। थैंक यू दोनों ही अंपायर अच्छी एम्पायरिंग करते हुए अब तक क्या 3 बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी के लिए? नहीं 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 अनुज जाते हुए थोड़ी देर के लिए हमें स्कोरर थोड़े से कंफ्यूज होंगे क्या 1 एंड से 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं क्या, लेकिन नहीं अनुज बस रणनीति का एक हिस्सा थे। दोनों ही बल्लेबाज को गेम प्लान के बारे में कुछ डिस्कस किया, कुछ बताया और फिर डगआउट में जाकर इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए खड़े हो गए। स्ट्राइक पर है अरविंद जी और नॉन स्ट्राइक पर है नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज, प्लीज टन हो जाइए, आपका टी शर्ट में लिखा है नाम रायन है नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज और अरविंद जी हैं स्ट्राइक पर और गेंदबाजी का कार्यभार संभाल रहे हैं। जीतू धीरू जी है गेंदबाज, पहले की ये पहली गेंद, धीरू गेंदबाज और स्ट्राइक पर है दाएं हाथ के बल्ले